गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज पाठ दो अरे थ्री का, क्लास थ्री का संस्कृत हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पाठ दो है, मम प्रियम गृहम, मेरा प्रिय घर। क्या है मम प्रियम गृहम भाई, मेरा प्रिय घर, उसको पहले आप देख लीजिए। कहता है, अहम गोविंदपुरे निवसामि, मैं गोविंदपुर में रहता हूँ। गोविंदपुरम शोभना ग्रामम अस्ति, गोविंदपुर सुंदर गांव है। शोभनम मने सुंदर, शोभना मने सुंदर गांव है। अयम ग्राम गंगया पवित्रे तटे निवस्ता अस्ति, यह गांव गंगा के पवित्र तट पर स्थित है। यह गांव कहाँ स्थित है? गंगा के पवित्र तट पर स्थित है। अत्र प्रति वर्षम स्नानाय, अत्र प्रति वर्षम जना स्नानाय आगच्छन्ति, यहाँ प्रति वर्ष लोग स्नान के लिए आते हैं। मम गृहे पूज्या माता पूज्या पिता प्रियो अनुजौ च वस्तः, मेरे घर पर पूज्य माता जी, पूज्य पिता जी, पूज्या माता जी और पूज्य पिता जी। पूज्या स्त्रीलिंग है और पूज्य पुल्लिंग है। प्रिय अनुजौ, अनुजौ मैंने दो प्यारे, दो छोटे भाई रहते हैं, छोटे भाई रहते हैं, हो गया एनसी तक ले रहते हैं, ठीक है ना। एका भगनी अपि मम गृहे अस्ति, मेरे घर में एक बहन भी रहती है, मेरे घर में एक बहन भी रहती है। कहता है भगनी अपि रहती है, मम गृहे अस्ति, मेरे घर में रहती है। मम गृहम न सुविशालम परम सुखेन वयम अत्र निवसाम, मेरा घर ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन हम यहाँ सुख से रहते हैं। मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है लेकिन हम यहाँ कैसे रहते हैं? खुशी से रहते हैं, सुख से रहते हैं हम, ठीक है ना, निवसाम रहते हैं। यदा अहम दूरात स्वकीयं गृहं प्रत्यागच्छामि तदा अहम शनै शनै आनंदम अनुभवामि, जब मैं बड़ी दूर से अपने घर लौटता हूँ, काफ़ी दूर से अपने घर लौटता हूँ, तब मैं धीरे धीरे आनंद का अनुभव करता हूँ। सबको घर अच्छा लगता है ना, पक्षी भी संध्या समय में घर आ जाती है, ठीक है। मम गृहे दौ सुगः अस्तः, मेरे घर पर दो सुगे हैं। सुगा तोता, सुगा किसको कहते हैं? तोता, पैरोट है। तो मधुरम शब्दम बदता सदा अस्माकं वचनानिया अनुवदत, है ना, वे दोनों मीठे वचन बोलते हैं। कैसे शब्द बोलते हैं? मीठे शब्द बोलते हैं और हमेशा हमारे वचनों का क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। अनुकरण मतलब सीखने का, है ना। देखते होंगे तोता के सामने जैसा बोला जाता है वैसा वो बोलना शुरू कर देता है, तो वह वैसा ही बोलने लगता है। अब कहता है कि गृहे एक धेनु अपि अस्ति, धेनु माने गाय, और घर में एक गाय भी है, सा श्यामा सरला च अस्ति, वह श्यामा माने काले रंग की है, वह कैसा है? काले रंग की है ना। तस ललाटे माने ललाट पर, तस ललाटे ललितम श्वेतम तिलकम अस्ति, उसके ललाट पर
है ना, सुंदर सफ़ेद तिलक है। सुंदर सफ़ेद तिलक मतलब माने उसका छाप ऐसा है बनाया हुआ प्रकृति का, तो वही है उसके ललाट पर। सा मध्यम प्रचुरम मधुरम दूधम ददाती, वह प्रायः है ना मधुर दूध देती है, मधुर माने मीठा, वह प्रायः मधुर दूध देती है। धेनो दुग्धेन शरीरम पुष्टम भवति, गाय के दूध से शरीर बलवान होता है, पुष्ट होता है। मम गृहस्य अग्रे एक मनोरमा बाटका अस्ति, मेरे घर के आगे, अग्रे मने आगे एक मनोहर बाटिका है, उद्यान है, बगीचा है छोटा सा। अस्याम बाटिकायाम बहवः पुष्प पदा अपि सन्ति, इस बाटिका में बहुत से फूल और पौधे भी हैं। इस बाटिका में बहुत से फूल और पौधे हैं, पौधे भी हैं, अपि मने भी होता है। तेषु पादपेषु विविधानि सुंदराणि पुष्पानि समय समय विकसन्ति, है ना, ये पौधों पर, तेषु पादपेषु, पादपेषु मने ये इन पौधों में या पौधों पर या पौधों में विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर फूल समय समय पर विकसित होते हैं, समय समय पर विकसित होते हैं। येषु जवा पुष्पम कर्णी कारम पीतम श्वेतम कुंदकुसुमम च भवति, है ना, इसमें कौन कौन उन पौध, इसमें गुड़हल, गुड़हल कनेल पीला और सफ़ेद कुंद का फूल होता है, पीला और सफ़ेद कुंद का फूल होता है, समझ गए ना, होता है। अति रमणीया प्रिया च मम बाटिका, है ना, मेरे बाटिका में मेरे बगीचा बहुत प्यारी और सुंदर है, मेरे बगीचा बहुत प्यारी और सुंदर है। बाटिकायाय बाटिकाया समीपे एक कूप, कूप माने कुआं अस्ति, मेरे बगीचा के नज़दीक में समीपे है ना, मेरे बगीचा के नज़दीक में एक कुआं है। अस्य जलम निर्मल शीतल च अस्ति, इसका जल निर्मल और ठंडा है, शीतल माने ठंडा है। उपस्य समीपे विशाल बट वृक्ष बिलस्ति, और कुआं के नज़दीक में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ सुशोभित हो रहा है, बरगद का पेड़ सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये चैप्टर पूर्णतः याद कर लेना है, इसका प्रश्नोत्तर आप बनाने की कोशिश करेंगे, आप इसको प्रश्नोत्तर को बनाएंगे, समझ में चला है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आसान है, ये बनाइए। धन्यवाद।